मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वचिंधरमम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। तो यथा यथा समायाति, जैसे 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 उत्तम तत्व के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है, तथा तथा नरोचन्ते, वैसे वैसे नहीं रुचते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, क्या विषयहा, जो पांच इंद्री के विषय हैं, एक एक इंद्री के अनंत अनंत विषय हैं, अनंत अनंत विषय हैं एक एक इंद्रियों के, तो वो विषय भी हमें, अनंत अनंत विषय भी हमें सुलभता से मिल जाए, सुलभता से मिल जाए, सहजता से मिल जाए, अपने आप भी मिल जाए, तो बोले वो विषय भी हमें जो है अच्छे नहीं लगते हैं। जब क्या हो जाए, प्रवचन सुना, बैराग आ गया, तो दीक्षा लेने का परिणाम हो गया, तो बोले दीक्षा तो ले रहा हूं, चलो एक बार पत्नी को बताया हूं, तो पहुंच गया, सुनो, बोले क्या हुआ, बोले आज आत्मज्ञान हुआ, मुनि के प्रवचन से मुझे वैराग हुआ और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो बोले जब भाव हुआ था तो यहाँ तक भी क्यों आए और बताने को क्यों आए, वहीं ले लिए होते, अब तुम ठहरो मैं चली, ऐ बाहर वहीं चले गए, वो कोई पूछे थोड़ी गए, बाहर उनको युद्ध युद्ध के मैदान में वहीं वैराग हुआ। धिक्कार है इस वैभव को कि जिसके कारण भाई भाई ना रहा, इस वैभव से एक जीव दूसरे जीव से कैसे बैर बांध लेता है, कैसे राग द्वेष कर लेता है, तो बोले इसको यहीं छोड़ो और वैराग कर चले। किससे पूछने जरूरत क्या थी, कोई से नहीं पूछा, तो उस पत्नी ने कहा तुम ठहरो मैं चली, ठीक है ना, तो अब लेकिन बोले नहीं, वैराग तो पहले मुझे आया था, वैराग तो मुझे, वो पुरुष अपना पुरुषत्व नहीं छोड़ता है, नहीं वैराग तो पहले मुझे आया था, पहले तो ठीक है तुम पहले चलो मैं पीछे चलती हूँ, तो वो आगे आगे और वो पीछे पीछे, महिलाएं तो आराम आराम से चलती हैं, वो थोड़ा सा आगे निकल गए, जल्दी जल्दी पीछे आते नहीं, मैं जल्दी निकल जाता हूँ, ठीक है ना। तो रास्ते में चलते चलते उसे सोने की मोहरें मिल गई, महाराज जी सोने की मोहरें दिखी, तो मोहरें दिख के भाव आया कहीं पत्नी को लोभ ना आ जाए, मेरे उसको भी तो बैराग हुआ है, वो भी दीक्षा ले, वैसे हित की भावना थी, कहीं इसको लोभ ना आ जाए, तो उसको मिट्टी से ढकने लगा। तो इतने में कौन आ गई, नंदिता, बोले ये क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले अभी भी झूठ बोल रहे हो, दीक्षा लेने जा रहे हो और अभी भी झूठ बोल रहे हो, बोले नहीं 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 नहीं, बोले क्या बताओ, बोले वो वहाँ पर सोने पड़ी थी, मैं उसको मिट्टी डाल रहा था, ढक रहा था, कहीं तुमको देख, उसको देख के लोभ ना आ जाए और तुम कहीं वापस ना चले जाओ, तो बोले अभी भी तुम्हें सोना जो है सोना दिख रहा है, वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो मिट्टी की पर्याय है, है? जीव कांड पढ़ो कितने प्रकार की, 36 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो वो भी तो एक मिट्टी की, सोना चांदी हीरे मोती ये सब मिट्टी की पर्याय हैं, पृथ्वी की पर्याय है, है? और तुम्हें अभी भी वो अनमोल लग रहा है, समदृष्टि बनो, क्या दृष्टि बनो, समदृष्टि, जब समदृष्टि बनोगे तो सारे जड़ ही दिखेंगे, क्या दिखेंगे, समदृष्टि बनने पर ही आत्मज्ञान प्रकट होता है, उसके पहले नहीं हो सकता। यदि मुझे पर्याय झलक रही है
और पर्याय झलक करके, वैसे पर्याय ही झलकती है, वेदन भी पर्याय का ही होता है, ध्रुव का वेदन नहीं होता है, पर्याय का ही वेदन होता है। तो पर्याय ही झलकती है, लेकिन पर्यायों में मैं फंसता हूं तो पज्जय मूढ़ा होता हूं। पर समय पज्जय मूढ़ा, मैं पर समय वाला पर्याय मूढ़ व्यक्ति हो जाता हूं, और पर्याय मूढ़ व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि का है, क्योंकि उसको भिन्न भिन्न मत हो रहे हैं उसके। अनंत जीवों को देख करके अनंत मन तेरे हो रहे हो तो तेरा अनंत संसार है, और अनंत जीवों को देखकर भी तुझे समय एक समदृष्टि से भगवान आत्मा दिखाई दे रही हो, समदृष्टि से पर्याय को गौण करके तुझे ध्रुवता दिखाई दे रही हो, तो तू अनंत आत्माओं को देखकर भी तेरा अनंत संसार नहीं होगा, तो अनंतनाथ भगवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तू भी अनंतनाथ भगवान बन जाएगा। ये समदृष्टि भाव आने से, बोले तुम्हें अभी भी एक मिट्टी दूसरी मिट्टी में फर्क हो रहा है, ये तो अलग अलग मिट्टी की पर्याय है, तो जड़ ना, दोनों ही जड़ है ना, तो फिर किस विषय की बात कर रहे हो तुम? इस सारे के सारे जितने भी विषय हैं वो जड़ हैं। मुझे जो दिखता है, मुझे सुनाई जो देता है, मुझे जो मैं जो सूंघता हूँ, जो मैं स्पर्श करता हूँ, जो मैं चखता हूँ, इस सारे के सारे मैं पुद्गल को ही सुनता देखता चखता जानता हूँ, ये ध्यान रखना। तो बोले इन सब पर, ये सब विषयों पर सुलभता से मिलने वाले, बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली सब चीज़ें जो हैं, ये भी जो हैं हमें क्या लगती हैं? रुस्ती नहीं है। क्या नहीं होती है? रुस्ती नहीं है। कभी भी पुण्य को काकविष्टा नहीं बोलने का, काकविष्टा नहीं बोलने का, पुण्य भी काकविष्टा है तो वो तो घृणा के भाव आ जाएंगे, वो द्वेष के भाव आ जाएंगे। पुण्य पाप दोनों में ही समभाव आ जाते हैं। किससे? सम्यक ज्ञान से, आत्मज्ञान केवल संवित्तौ। परम पेनी सुभद छेनी डारे अंतर भेदिया वरणादि अरुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। निज भाव से, आत्मज्ञान के भाव से क्या करना है? परम पेनी सुबधि छेनी, तेरी जो प्रज्ञा छेनी है, सुबुद्धि की छेनी है, समय ज्ञान की छेनी है, आत्मज्ञान की छेनी है, उसके बल से तू क्या कर? जो दो चीज अनादि काल से मिक्स है, असामांजाती पर्याय बनी हुई है, मिश्र पर्याय बनी हुई है, उन सबको तू क्या कर? उस परम छेनी से वरणादि अरुरागादि को निज भाव से, वरणादि जो दिख रहा है सुन रहा है वो वर्णादि हैं, और जो मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ वो मेरे राग द्वेष हैं, वो भी मेरे विकार हैं। तो जो पुद्गल का विकार है, उस पुद्गल के विकार में भी तुझे विकार नहीं होना है, और अपना जो विकार है उस विकार में भी और तुझे सम नहीं होना है। अपना भी विकार है, कुछ भी हमें महसूस हो रहा सब पुद्गल का विकार है, पुद्गल द्रव्य का विकार है। पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु है, लेकिन पुद्गल द्रव्य का विकार क्या है? बहुत सारे परमाणुओं को मिलकर स्कंद बनना, वो विकार है, वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। उस विभाव में और अपने विभाव को क्या करो? अपने से, अपनी शुद्धता से न्यारा करो, भिन्न करो। ऊपर कैसे होंगे? कैसे होंगे? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। उत्तम तत्व मिलने पर, उत्तम तत्व की प्राप्ति होने पर, संवित्तौ स्वसंवेदन होने पर, आत्मज्ञान होने पर, सुनो, आत्मज्ञान होने के बाद फिर तो जो कुछ भी मिले ना, जो कुछ भी रहेगा, उनके प्रति आपको किसी प्रकार का भाव पैदा ही नहीं हो।
नहीं होगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सबसे न्यारे हो सकते हैं। और हाँ, हमारे ज्ञान में सब झलकता है, झलकने देते हैं। भगवान के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, ध्यान रखना। बस इतना है कि वो दूर स्पर्ति, काल स्पर्ति सभी ज्ञानों को जान जाते हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, हम श्रुत ज्ञान से जानते हैं, इतना ही तो अंतर है। वो भी तो परमाणु को परमाणु बोल रहे हैं, आत्मा को आत्मा बोल रहे हैं, और हम भी परमाणु को परमाणु बोल रहे हैं, आत्मा को आत्मा बोल रहे हैं। उनके ज्ञान में हम ज्ञान में अंतर क्या है? पर वो प्रत्यक्ष से और हम परोक्ष से, इतना ही तो अंतर है। तो इस अंतर को हमें दूर करना है बस। ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो भगवान से जाके बोलो भगवान आत्मा कैसी होती है, तो यही तो बोलेंगे रूप रस गंध वर्ण से रहित होती है। और हमारे पास भी आओगे हमसे पूछोगे आत्मा कैसी होती है, तो हम क्या बोलेंगे? रूप रस गंध वर्ण से। कोई वो आत्मा को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह दिखाने वाले नहीं है। अच्छा, आत्मा चाहिए तुम्हें, ठीक है, जादू किया, ये है आत्मा, देखो आत्मा, देखो आत्मा कहाँ है? आंवले की तरह वो भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना? वो भी आत्मा के स्वरूप ही बताएंगे। तो दोनों स्वरूप बता रहे हैं, बस इतना ही है। भगवान का जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ का ज्ञान है, वो उनका जो ज्ञान है, देखा है, जो ने साक्षात देखा है वो बता रहे हैं, और हम उन्हीं के ज्ञान को आगम से बता रहे हैं। हम भी अपने ज्ञान से नहीं बता रहे हैं, वो भी उनके द्वारा बताए हुए आगम ज्ञान से, आगम चक्षुषा, हमारे तो नेत्र आगम ही है, उससे बता रहे हैं। और उन्होंने ये बताया है, चाहे अनंत काल पीछे जाओ, चाहे अनंत काल आगे जाओ, चाहे वर्तमान में जाओ, जो कुछ भी होगा वो आत्मज्ञान से ही तुम्हें विषयों में रुचि समाप्त होगी। भेद विज्ञान तहा सिद्धा, सिद्धा एकिल के चिन्ह, तस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा एकिल के चिन्ह। क्या बात! भेद विज्ञानता सिद्धा, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वो किसके बल से? भेद विज्ञानता, ऐसा तुम निश्चय से समझो, यही यथार्थ है। तस्यैवा भावतो बद्धा, और जितने ही संसार में बद्ध हो रहे हैं, बंधे हुए हैं, तस्य एव अभावतः, उसके ही अभाव से, किसके अभाव से? भेद विज्ञानतः, भेद विज्ञान के अभाव से, सच्चे आत्मज्ञान के अभाव से बद्धा, आज तक जितने बद्ध हो रहे हैं, हुए हैं, आगे होंगे, वो इस कारण। यही बात तो लिख रहे हैं कि जैसे जैसे आत्मज्ञान होता है, समाविष्ट होते हैं हम अपने में, आत्म तत्व में उतरते हैं, तथा तथा नरोचन्ते, इंद्रों शरीर के भोग भी, वो हमें भोग भी कैसे लगते हैं? तुच्छ लगने लगते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कैसे बिल्कुल उतर जाता है? झाड़ू लगाते हो ना, तो क्या खट्टा होता है? बोलो, कूड़ा कचरा। किसका है कूड़ा कचरा? वो किसका था? किसके घर में था? बोलो, किसके घर में था वो? ऐ तो किसका होगा? ऐ तुम्हारा कचरा। लेकिन उसको तुम्हें त्याग करने की भावना भी नहीं आई, त्याग करने की भावना भी नहीं आई, तुम्हारा कचरा और त्याग की भावना नहीं। अरे यही बोल देते, आज से ये कचरा मैं त्याग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे ज्ञान में ये पता है कि ये मेरा है ही नहीं, तो उसका त्याग यदि हो क्या करें? जब हमने
कि ये कचरा मेरा है ही नहीं, और ये कचरा तो एक तो कीमत भी नहीं और दूसरा मेरा है ही नहीं, तो इसलिए उसका तुम्हारे में त्याग का भाव भी। तो त्याग किसका होता है? जो तुमने बुद्धिपूर्वक पकड़ रखा है। तुमने कचड़े को कभी बुद्धिपूर्वक नहीं पकड़ा तुम्हारे घर में होते हुए भी, ठीक है ना। अच्छा, घर से चूहा निकालना है, छिपकलियों को निकालना तो दुख होता है क्या, ठीक है ना। लेकिन स्वयं को घर छोड़ना हो तो, स्वयं को परिवार छोड़ना हो तो, क्योंकि तुमने वहां पर रहने वाले कुत्ता बिल्ली चूहों से मोह नहीं पाला, नहीं पाला, इसलिए वो जाएं और आएं तुम्हें कोई फर्क। रात को वो आते भी हैं, तुम्हारे सामने आ भी जाते हैं, तुम्हारे सामने चले भी जाते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आओ जाओ। लेकिन घर के परिवार में से कोई एक आ जाए एक्स्ट्रा तो फर्क पड़ता है, और एक चला जाए तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने रुचि पूर्वक उनको पकड़ रखा है, पकड़ रखा है, तो हमने अपने आप से पकड़ रखा है। जब मैं ब्रह्मचारी बना माता जी, तो बस 2 महीने हुए होंगे, बस जबलपुर से बिहार हुआ और कटनी में जाकर के वहाँ पर समोषण विधान था, चक्रवर्ती विधान करता ना वो समोषण वाला विधान था। तो आचार्य से वहाँ प्रवचन कर रहे थे कि देखो भैया, भरत चक्रवर्ती को देखो कितना त्याग किया, बोले करोड़ों घोड़े छोड़ दिए, करोड़ों गायें छोड़ दी, करोड़ों ये छोड़ दिए, 96,000 रानियां छोड़ दी, ये छोड़ा, कितना सारा वर्णन करते रहे ऐसे भरत चक्रवर्ती। तो हमें टेंशन हो गई, हम शाम को गुरुजी के पास गए आचार्य वंदना के पास। बोले गुरुजी एक शंका है। बोले क्या? बोले ये बताओ, करोड़ों गाय घोड़े छोड़े, हाथी छोड़े, तो सड़क में भगदड़ मच गई होगी, सड़क में रास्ते में जाम लग गया होगा, भगदड़ मच गई होगी। अरे बोले ऐसा नहीं छोड़े। तो बोले कैसे छोड़े? बोले घोड़े तो घुड़साल में ही है, हाथी तो गजसाल में ही है, घोड़े अश्वसाल में ही है, सब अपने अपने रानियां रनवास में ही है, फिर छोड़ा क्या? ये मेरे थे, मैं इनका था, ये जो भाव है वो भाव को छोड़ दिया बस, जो जहां है वो, जो जहां वो वही है। वो तो हमने पकड़ा था भावों से ना, ना उनने हमको पकड़ा था, ना हमने उनको पकड़ा है, सभी स्वतंत्र हैं। पर हमने किससे पकड़ा है? एक ऐसी रस्सी है जो दिखती नहीं है, वो अदृश्य है। क्या है वो? वो अदृश्य रस्सी है, वो दिखती नहीं है, जिसे तुम्हारा आत्मज्ञान ही देख सकता है बस। तुम्हारा मिथ्या ज्ञान भी वो उस अदृश्य रस्सी को नहीं देख सकता है। वो कौन सी रस्सी है? अरे मोह की रस्सी। कौन सी रस्सी? आप हमसे बंधे, हम तुमसे बंधे, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, गाय रस्सी से बंधी हो दिख रहा है, लेकिन तुम हम तुमसे बंधे, परिवार बंधा, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एक ऐसी रस्सी है जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम जान रहे हो कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनके लिए हूँ, ये मेरे लिए हैं, मैं नहीं हूँ तो ये नहीं है, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसा तुमने अपने आप से झूठी कल्पना से, झूठी मान्यता से, मिथ्या मान्यता से, भ्रम से ऐसे तुमने रस्सी तैयार की है। तो बोलो उस रस्सी को कौन तोड़ेगा? उसे कौन तोड़ेगा? उसे भी तुमको ही तोड़ना है, क्योंकि बांधी भी तुमने है तो तोड़ना भी तुमको ही है। बस तुम नहीं तोड़ पा रहे थे, तो उसमें तुम्हें अरहंत संत की आवश्यकता पड़ी बस। किसकी आवश्यकता पड़ी? अरहंत की और संत की, इन दोनों की तुम्हें आवश्यकता पड़ी। कि वो तुम बता रहे हैं कि भाई वो रस्सी देखो, उसको ढीला करो, उसको कमजोर करो, उसको थोड़ा खींचना प्रारंभ करो। तो उसको खींचने के लिए बोलते हैं थोड़ा सुबह मंदिर आओ, गुरु पास आओ, प्रभु पास आओ, स्वाध्याय में आओ, जाप करो, आराधना करो, धीरे धीरे ये त्याग करो, वो त्याग करो, ऐसा करो, वैसा करो, और करते करते तुम्हारी क्या हो जाएगी वो
दाढ़ी का त्याग हो गया, क्या चाहिए बताओ। 50 साल से दाढ़ी नहीं बनवाई थी और आज त्याग हो गई, मोह का बंधन खत्म। जब तक था मोह, मोह था और तब छूटा तो छूट। तो ऐसे ही हमारे जितने भी बंधन बंधे हुए हैं वो हमारे स्वयं के विषयों की रुचि के कारण बने हुए हैं। और वो विषय की रुचि जैसे जैसे आत्मज्ञान होगा, यहाँ पर अभी अभी बताया है अस्थि से, क्या बताया है, अभी नीचे श्लोक आएगा वो नास्ति से आएगा, नास्ति से आएगा। अभी अस्थि से आया है और फिर किससे आएगा, नास्ति से। अभी बोल रहे हैं आत्मज्ञान जैसे जैसे होगा तो विषय छूटेंगे। अब कल बताएंगे कि जैसे जैसे विषय छूटेंगे वैसे वैसे आत्मज्ञान आएगा। दोनों बात कह रहे हैं ना, कि जैसे जैसे मंदिर से रुचि हुई तो घर छूटा, हम फिर कहेंगे अब जैसे घर छूटा वैसे वैसे मंदिर में आए। तो बात दोनों कहने का तरीका है, एक अस्थि कथन करना और एक को नास्ति से कथन करना, एक को नेगेटिव से समझाना एक को पॉजिटिव समझाना। अहिंसा का पालन करो, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। हिंसा मत करा करो, ये क्या हो गया, दिन में भोजन किया करो, ये क्या हो गया, बोलो अस्थि हो गया। ए रात में मत खाया करो, समझ में आया ना। तो क्या हुआ, मैन तो क्या है, हमें आपको रात को भोजन नहीं खिलाना है, बस उद्देश्य ये है। लेकिन आचार लोग जिसको देखते हैं अस्थि समझाना उसको अस्थि समझा देते हैं, जिसको समझाना नास्ति से उसको नास्ति समझाते हैं, किसी को अस्थि नास्ति दोनों से। तो यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कोई अस्थि वाला भी बैठा होगा कोई नास्ति वाला बैठा होगा, हम तो दोनों समझा देंगे। तो कल जो श्लोक आएगा इसका बिल्कुल उल्टा आएगा, मतलब कि ऊपर की लाइन नीचे हो जाएगी, नीचे की लाइन ऊपर हो जाएगी, बाकी यथा तथा सब वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस विषय में जो है अपन चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर बहुत सुंदर बात आई है कि जैसे जैसे हमारे आत्मा में ज्ञान प्रकट होते जाता है वैसे वैसे हमें संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है और विषयों में हमारा मन नहीं जाता है। लेकिन जिसके ज्ञान में वैराग्यता नहीं ठहरती है या वैराग्यपूर्वक ज्ञान जिसका नहीं ठहरता है, नहीं उत्पन्न होता है, उसको विषयों की रुचि समाप्त नहीं होती है। इसलिए विद्यानंद महाराज जी बोलते थे ज्ञान के व्यसनी बनो। किसके व्यसनी बनो, दुनिया में लोग बहुत व्यसन करते हैं, तुम भी व्यसन करो। तो बोले किसका व्यसन करो, बोले सच्चे ज्ञान का व्यसन करो। सुबह शाम दोपहर रात यही लगे, अच्छा से सोते थे तो अपने बाजू में भी 2-3 पुस्तकें रख के सोते थे, ऐसे सराहने जैसे सराहने में लगाते ना, आप हाथ लगा लिया पुस्तक बाजू में रख ली, पुस्तक तखत में छोटे से पट्टे के ऊपर, हाँ, और एक टॉर्च, उनकी टॉर्च करके देखने का, यूँ कर लेंगे और देखते रहेंगे। तो वो नींद खुल गई, लाइट कौन चालू करेगा, तो वो पुस्तक उठाई और बैठ गए, फिर मार्क लगाया, फिर रख दी, फिर लेट गए। मतलब कि नींद नहीं आ रही तो करवट क्यों बदल रहे हो, क्यों करवट बदल रहे हो, हाँ तुम फोन रख के सोते हो पता है मुझे, ठीक है ना, पर साधु पुस्तक रख के सोते हैं, जाप रख के सोते हैं, माला रख के सोते हैं, माला करने लगते हैं। बोले इसमें अपना उपयोग लगाओ, आत्म कल्याण होगा। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो, हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिंडे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली।